हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 अकाउंटिंग रेशियो, जिसका नाम है, इसका सॉल्यूशन नंबर 5 हम करेंगे। बुक का नाम है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है वर्किंग कैपिटल आपको 6 लाख गिवन है, टोटल डेट आपको 27,000 गिवन है और नॉन करंट लाइबिलिटीज 24 लाख रुपीज की गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, ना ही आपको करंट एसेट गिवन है, ना ही आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटी हम पता करेंगे। करंट लाइबिलिटी का आपको कैसे पता करनी है, आपको जो टोटल डेप्थ गिवन है ना, इसमें से आपको माइनस करना है नॉन करंट लाइबिलिटी। क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी ये वो लाइबिलिटी होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पे करनी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के पास होती है, जो कि बिजनेस एक साल से ज्यादा के लिए भी इसको पे कर सकता है, उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए जो उसको एक साल के अंदर पे करनी ही करनी है। तो यहाँ पे जब आप टोटल डेप्थ में से नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्थ माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्थ आपके पास 27 लाख रुपीज गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटी 24 लाख गिवन है, तो माइनस करने पे करंट लाइबिलिटी आपके पास 3 लाख रुपीज आएगी। अब करंट रेशियो, करंट एसेट पता करने आपको। तो करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं जो कि बिजनेस को एक साल के अंदर क्या करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, वो करंट एसेट होते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, वो करेंगे करंट लाइबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो करंट लाइबिलिटी आपको पता कितनी आपके पास 3 लाख रुपीज है, वर्किंग कैपिटल कितनी आपके पास 6 लाख रुपीज है, प्लस करके आपके पास 9 लाख रुपीज आ जाएगा। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट है 9 लाख रुपीज के, करंट लाइबिलिटी है 3 लाख रुपीज की, डिवाइड करने पे आपके पास ये 3:1 बनाएगा। तो 3:1 इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।